यस, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 107 151 भारत का संविधान अनुच्छेद 226 धारा 107 151 के अधीन कार्यवाहियां, रिट याचिका सभी अनुतोष एकल न्यायाधीश द्वारा मंजूर धारा 107 151 के अधीन कार्यवाहियां अभिखंडित न्यायालय द्वारा यह अवधारित की याची धारा 107 151 का आश्रय लेकर अवैधानिक ढंग से निरुद्ध और स्थावर संपत्ति से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के प्रावधानों का आश्रय लिया जा सकता था। ₹50,000 की धनराशि प्रतीक मुआवजे के रूप में अधिनिर्णित न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित करने वाले पुलिस कर्मचारी वृद्ध के विरुद्ध अपकृत्यात्मक दायित्व के लिए वाद दाखिल करने और स्थावर संपत्ति के कब्जे के प्रत्युदाहरण के लिए भी वाद दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदत्त राज्य की LPA निरस्त स्वीकृति पुलिस कर्मचारी वृद्ध अपीलार्थी रिट याचिकाओं में नामों से आलिप्त नहीं, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। आक्षेपित निर्णय और आदेश स्पष्ट धारा 107 151 के अधीन कार्यवाहियां अभिखंडित करने के सिवाय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थावर संपत्ति के प्रत्युदाहरण के लिए सिविल वाद दाखिल करने की स्वतंत्रता अक्षत बनी रहेगी। स्टॉप पैरा। चाहे जो भी विधिक स्थिति हो, स्वीकृति पुलिस कर्मचारी वृद्ध अर्थात अपीलार्थीगण रिट याचिकाओं के नामों से आलिप्त नहीं किए गए थे। NCT दिल्ली राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले स्थायी अधिवक्ता ने गैर सरकारी पक्षकारों को अपरिवर्तित करने वाले पक्षकारों की ओर से नोटिस ग्रहण की थी। इस प्रकार रिट याचिकाओं की सुनवाई करते समय इन अपीलार्थीगण को रिट न्यायालय के समक्ष किसी भी तरह सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान किया गया था और निश्चित रूप से एकल न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध कतिपय आदेश निर्देश पारित किए थे। स्टॉप पैरा। व्यथित होकर राज्य ने खंडपीठ के समक्ष LPA दाखिल की थी, जिनमें भी इन अपीलार्थी गण में से किसी को आलिप्त नहीं किया गया था और दोनों ही अपीलें दिनांक 28/5/2008 के सामान्य निर्णय एवं आदेश से निरस्त हो गई थीं। इस प्रकार यहां तक कि खंडपीठ के समक्ष भी इन सभी अपीलार्थी गण को उपस्थित होने या अपनी अपनी प्रतिरक्षा के अभिभाक करने का कोई अवसर नहीं किया गया था। यहाँ तक कि गुणवानों को पर भी प्रथम मामले में उच्च न्यायालय की यह राय कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियों का आश्रय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 151 के बदले लिया जा सकता था सही होनी प्रतीत नहीं होती। वास्तव में घटना स्थल पर के अधिकारी को ही इस संबंध में विनिश्चय लेना है कि किन प्रावधानों का आश्रय प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक अन्य मामले में भी यदि लड़ाई झगड़ा गाली गलौज धमकी एवं मारपीट हुई तो भी किसी तरह यह अवधारित नहीं किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 151 के प्रावधानों का आश्रय पूर्णतः अवांछित था। स्टॉप।